गंगा की सफाई की मांग को लेकर 111 दिन से अनशन पर बैठे पर्यावरणविद जीडी अग्रवाल का कल निधन हो गया। वे 86 साल के थे। तबीयत बिगड़ने पर सरकार ने ही उन्हें ऋषिकेश एम्स में भर्ती कराया था। उन्हें स्वामी सानंद के नाम से भी जाना जाता था। वे गंगा की अविरलता बनाए रखने के लिए विशेष कानून बनाने की मांग कर रहे थे। गंगा समेत अन्य नदियों की सफाई को लेकर जीडी अग्रवाल ने पहली बार 2008 में हड़ताल की थी। 2012 में पहली बार वे आमरण अनशन पर बैठे थे। 2014 में चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा की स्वच्छता के लिए प्रतिबद्धता दिखाई थी। इसके बाद जीडी अग्रवाल ने आमरण अनशन खत्म कर दिया था। 10 जुलाई 2018 से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे जीडी अग्रवाल को जबरन उठाया गया और एक अज्ञात स्थान पर ले गए। बाद में उन्हें हिरासत में लेकर ऋषिकेश स्थित एम्स में रखा गया था, जहां डॉक्टरों की जबरदस्ती करने पर भी उन्होंने भोजन नहीं किया। 9 अक्टूबर को जल भी त्याग दिया था। इस दौरान सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने उनसे अनशन खत्म करने का आग्रह किया, जिसे स्वामी सानंद ने अस्वीकार कर दिया था।